नमस्कार दोस्तों, OCN नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक लंबा दौर गुजरा है जब भारतीय जनता पार्टी अपने एक के बाद एक घोषणा पत्रों में, संकल्प पत्रों में देश की जनता के साथ ये वादा करती रही कि हम इस देश में तीन प्रमुख मुद्दों को एड्रेस करेंगे। उनमें एक था कॉमन सिविल कोड, दूसरा था जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का, और तीसरा था भव्य राम मंदिर के निर्माण का, और वो भी जन्मभूमि पर यानी अयोध्या में। इसको लेकर के विपक्ष का जो रवैया रहा है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका की एक आदत बन गई है कि जो जनमानस की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लिंगर ऑन करते जाइए, दशकों तक उसको लटका करके रखिए, उन सब चीज़ों के बीच में विपक्षी दलों ने जिस तरह का रवैया अपनाया था, और केवल भगवान राम के मंदिर को लेकर के नहीं, अयोध्या को लेकर के भी, जिन्होंने पहले अयोध्या देखा है और जो अब अयोध्या देख रहे हैं, और अयोध्या का जो बदला हुआ रूप स्वरूप हमारे सामने इस समय आ रहा है, यानी पूरे अयोध्या की और अयोध्या से जुड़े हुए आसपास के तमाम क्षेत्रों की जैसे कायापलट हो गई है, कायाकल्प हो गया है। और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अयोध्या जो है वो न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की ऐसी एक धार्मिक जगह बनने जा रही है जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी होगा और जहां तमाम तरह के कारोबारी जो कामकाज हैं वो भी होंगे, यानी रोजगार की भी असीम संभावनाएं वहां पर होंगी। लेकिन क्या पूछा जाता था चुनाव दर चुनाव कि जी मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी आ गई है, 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, वही अब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे 22 जनवरी 2024 को। तो तारीख आ गई है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या प्रभाव होने वाला है, इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या होने वाले हैं हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारे जनजीवन पर, इस पर जरा चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और आपके चिर परिचित चेहरे वीरेंद्र नाथ भट्ट, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वीरेंद्र जी, तारीख तो आ गई है, मंदिर भी, तारीख नहीं तिथि कही है, वो भी आ गई है, मंदिर भी अब भव्य आकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो विपक्ष की राजनीति थी वो ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं, या कुछ नए मुद्दे अब इन्होंने उठाने का फैसला कर लिया, जैसे अभी जयराम रमेश का बयान, कुछ दूसरे लोगों के बयान के जी, क्या भगवान राम जो हैं केवल किसी पार्टी विशेष के थे, दूसरे लोगों को निमंत्रण पत्र क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, तो इनका ये सब चलता रहेगा क्या? देखिए, ये सब जो पंच मक्कार है, मुल्ला, मैकाले, मिशनरी, माफिया और मार्क्सिस्ट, इनको कुछ देर के लिए किनारे करते हैं, राजनीति तो होती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक यूरोप की वेस्टफेलिया ट्रीटी के तहत एक नेशन स्टेट नहीं है, जिसका आधार जाति, जिसका आधार नस्ल, भाषा, ज्योग्राफी नहीं है। ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, हमारी एक प्राचीन सभ्यता है। दुनिया की में केवल दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो आज बची हैं, पहली भारत और दूसरी चीन की, और चीन की भी कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको बहुत हद तक नष्ट कर दिया है, लेकिन अब जाकर के वहां भी पुनर्जागरण हो रहा है। सबसे बड़ी बात आते हैं अयोध्या के ऊपर। अयोध्या 22 जनवरी 2024 को अपने नाम को सार्थक करेगा। अयोध्या, अयोध्या जिसको युद्ध में जीता नहीं जा सकता,
जो अविजित है, यह बात 22 जनवरी 2024 को प्रमाणित होने जा रही है। 1528 में रामलला का मंदिर ध्वस्त किया गया था। 495 साल के बाद रामलला अपने बाल विग्रह के रूप में अयोध्या में पुनर्विराजित होंगे। जो अयोध्या में को लेकर के जो जो लीगल सूट चले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें रामलला विराजमान को प्रेजाइडिंग डेटी माना गया है और एक एक पार्टी माना गया है। तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा, अयोध्या अपने नाम को सार्थक करेगा। अयोध्या अयोध्या है, अयोध्या अविजित है, यानी बाबर ने जो जीता था। तो ये जो हमारे देश के मार्क्सवादी मक्कारों ने जो हमारे इतिहास में मुगलों को जो महिमा मंडित किया है, ये उसके ऊपर एक बहुत कड़ा आघात होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसको और मैं तो हमें तो देखते हुए 40 साल से अधिक हो गया कि किस तरीके से ये टुच्चे सेकुलर नेताओं ने इसको एक राजनीति का या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, चुनाव जीतने का एक टूल मात्र बता दिया। राम मंदिर ये टेम्पल नहीं है, ये मंदिर है। टेम्पल तो कहते हैं सोलोमन टेम्पल को, जो यहूदियों का सोलोमन टेम्पल है जेरूशलम में, जिसको तोड़ करके जो पिछले 3000 सालों में दो बार तोड़ा गया और उसके ऊपर 8th सेंचुरी में मुसलमानों ने अपनी मस्जिद बना ली और उसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। उसको माना जाता है कि वो दुनिया का सबसे दूसरा मुकद्दस स्थान है मुसलमानों के लिए। तो वो तो सोलोमन टेम्पल है, ये मंदिर ही है। मंदिर का अंग्रेजी ट्रांसलेशन टेम्पल नहीं होता है। और ये तो हमारी जो औपनिवेशिक मानसिकता के चलते हमने उसको टेम्पल बना दिया। तो सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि रामलला अपने बाल विग्रह के रूप में 495 साल बाद विराजेंगे। जैसा अभी आपने अपने ही इंट्रो में कहा कि ये एक विश्व की एक प्रमुख नगरी बनने जा रही है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सभ्यता का इतिहास आजादी के बाद से जो मैकाले शिक्षा पद्धति रही है और जिसके ऊपर मार्क्सवादियों का प्रभुत्व रहा है, उसके चलते हमारे मानस से हमारी सभ्यता की स्मृति का बहुत तेजी से विलोप हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में सनातन धर्म, यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं, सनातन धर्म एक धर्म है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण रिलीजन नहीं है। हालांकि हमारे संविधान में धर्म और रिलीजन को एक ही बताया गया है, ये मजहब नहीं है। मजहब या रिलीजन केवल तीन है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, जो तीनों के जनक एक है प्रॉफेट अब्राहम, जिसको मुसलमान इब्राहिम कहते हैं, यानी जेरूशलम। तो हम जो है धर्म है, और वो और जो मैंने जो तीन ये जो अब्राहमिक रिलीजन है, ये बिलीफ सिस्टम है। इनका एक गॉड है, एक प्रॉफेट है, एक किताब है, आपको मानना ही मानना है, कोई उसमें प्रश्न नहीं कर सकते। सनातन धर्म एक इंक्वायरी सिस्टम है, हम साधक हैं, हम सीकर हैं, ये हमारा निजी मामला है, हम अपना धार्मिक आध्यात्मिक जीवन कैसे परस्यू करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो इस समय दुनिया में दो पावर सेंटर हैं, एक है वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च का और दूसरा है मक्का इस्लाम का। तीसरा जो ग्लोबल रिलीजियस सेंटर, जो अंग्रेजी में मान्य शब्द है धर्म का इक्विवेलेंट, मैं उसी का प्रयोग कर रहा हूं, वो बनने जा रहा है अयोध्या। और यहाँ ये भी बता दूं इसका महत्व कैसे है। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के खलीफा उस्मानिया सल्तनत, जिसको अंग्रेजों ने ऑटोमन एम्पायर का नाम दिया था, उसके पतन के बाद जो इस्तांबुल जो है और जिसका पहले नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल था, वो क्रिश्चियंस का ईस्टर्न बाइजेंटियम एम्पायर था। 15th सेंचुरी में जब वहां टर्क सुल्तान ने कब्जा किया, तो वहां की जो सबसे बड़ी जो चर्च थी उसको उसने जो है सोफिया मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। 400 साल से अधिक वो मस्जिद रही। 1922 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के खलीफा को का पद एबॉलिश कर दिया गया। कमाल अतातुर्क टर्की के नए राष्ट्रपति बने और उस समय उन्होंने कहा कि भाई ये जो चर्च थी और ये मस्जिद बना दी गई, अब ये मॉन्यूमेंट हो जाएगा। ये फैसला हुआ 1932 में। और 80 साल के बाद 2021 में तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति
रिसेप एर्दोगैन ने कहा कि नहीं साहब अब ये फिर से मस्जिद हो जाएगी। और जो जो आया सोफिया जिसकी स्पेलिंग है SAGIA, उसको हाइया सोफिया भी लोग कहते हैं, उस चर्च के डोम के अंदर आज भी ईसा मसीह मदर मैरी के म्यूरल पेंटिंग है और चर्च के सारे के प्रतीक वहां मौजूद हैं। उन्होंने उसको फिर से मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ओपन कर दिया। पूरे दुनिया के मुसलमानों ने इस पर बड़ा जश्न मनाया, लेकिन ये बात किसी ने नहीं कही जो वहां पे जो पहले चर्च थी वो भी एक पैगन टेम्पल को तोड़ के बनाई गई थी क्रिश्चियनिटी के यूरोप में आगमन के पहले। लेकिन जब वो चर्च को तोड़ा, जब मंदिर को तोड़ा गया और चर्च बनाई गई, तब कोई भी पैगन यानी जिसको इस्लाम में काफिर कहते हैं, कोई इसका प्रतिरोध करने को मौजूद नहीं था। जब उस चर्च को मॉस्क में कन्वर्ट किया गया, तब वहां कोई क्रिश्चियन इसका प्रतिरोध करने को मौजूद नहीं था। और जब उसको दोबारा जो है स्मारक डिक्लेयर किया गया और फिर मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, तब भी कोई पैगन वहां पे ये दावा करने को मौजूद नहीं था, इस स्थिति में नहीं था कि वो कह सके कि ये हमारा मंदिर था। लेकिन 1000 साल की दास्ता, पहले इस्लामी, उसके बाद 200 साल से अधिक अंग्रेजों की दास्ता, क्रिश्चियन की दास्ता, इस्लामी और क्रिश्चियन दास्ता झेलने के 1000 साल बाद भी ये हिंदू काफिर अपनी सांस्कृतिक विरासत को दोबारा अपना दावा ठोकने को मौजूद था। उसने 400 साल संघर्ष किया मस्जिद को हटाकर वहां मंदिर की स्थापना के लिए, और ये कोई संघर्ष बीजेपी के आने के बाद से शुरू नहीं हुआ है, ये अंग्रेजों के आने के पहले से चल रहा है। और जो पहला मुकदमा अयोध्या की कोतवाली में दर्ज हुआ था इस मस्जिद पे हमले का, वो निहंग सिखों ने किया था उस पर हमला कि साहब ये हमारा मंदिर है। तो ये सबसे ये एक बहुत बड़ा हमारा हिस्टोरिकल जो हमारा दावा था वो हमें प्राप्त हुआ। और जो हमारी सिविलाइजेशनल हमारी सभ्यता की जो हमारी विरासत है वो हमें पुनः हासिल हुई है, इसका ये इसका सार गर्भित अर्थ है। ये केवल भारतीय जनता कांग्रेस के लिए, कम्युनिस्टों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए ये केवल एक चुनाव जीतने का एक मुद्दा भर हो सकता है, ये चुनाव जीतने का मुद्दा नहीं है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति यूरोप के संस्कृति से इस माने में बहुत अंतर है कि उनके यहाँ प्रगति का मानक केवल भौतिक प्रगति है कि भाई हमने इतनी सड़कें बना ली, एयरपोर्ट बना लिए, हाईवे बना लिए, इतनी कारें आ गई, इतने शानदार घर आ गए, और भौतिक भोग विलास के हमारे पास सारे साधन मौजूद हो गए। लेकिन भारतीय संस्कृति में केवल भौतिक प्रगति, भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है, हमें आध्यात्मिक और दैविक विकास भी चाहिए। बिना आध्यात्मिक दैविक विकास के भौतिक प्रगति भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें इसका व्यापक संदर्भ समझ में आएगा। और पिछले मैं पहली बार अयोध्या 1982 में गया था, आज 41 साल हो रहे हैं जब वहां पे एक होम गार्ड भी नहीं था, और 1984 में पहली बार लखनऊ में बहुत बड़ा एक मोबिलाइजेशन किया था, 1982 में किया था विश्व हिंदू परिषद ने, तब लोगों ने जानना शुरू किया अयोध्या क्या है। और आज जो है 40 साल बाद ये मंदिर बन रहा है और आज हमारी आबादी 65% तो ऐसी है जो 30 से 35 साल के बीच की है, तो उन्हें इसके संपूर्ण जो इसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, संवैधानिक और कानूनी जो संदर्भ है, जो लड़ाई है, इसका लोगों को अभी जानकारी हो सकता है ना हो, लेकिन मैं इस यात्रा का, इस संघर्ष का आप भी इसके हम साक्षी रहे हैं, हम गवाह रहे हैं, हमने देखा है। और जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, 1990 में कार सेवा हुई थी, 92 में मस्जिद ध्वस्त हुई थी, तब ये कहा जाता था बीजेपी के ऊपर कि साहब मंदिर, जब भी चुनाव आता है ये मंदिर का राह अलापते हैं। और ये और ये भी मजाक होता था कि जब बीजेपी का या विश्व हिंदू परिषद का नारा होता था रामलला आम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तब कम्युनिस्ट ये मजाक करते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब जब तारीख बता दी है तो अब ये कह रहे हैं अरे साहब ये इसमें मोदी का क्या श्रेय है, इसमें बीजेपी का क्या श्रेय है,
ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में ये दलील लेकर के क्यों गए थे कि साहब इस फैसले को टाल दीजिए एक साल, वरना 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अगर बीजेपी का इसमें श्रेय नहीं है तो कपिल सिब्बल को इतनी परेशानी क्यों हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने इस मामले को टालने के लिए जो है दलील पेश की, अंततः कोर्ट ने उनकी बात मान ली और इसका फैसला लोकसभा के चुनाव के 5 महीने बाद आया। लोकसभा चुनाव नवंबर में 2019 में मई महीने में हुआ और इसका फैसला 19 नवंबर 2019 को आया। तो जो हमारी इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो हमारी जो चुनावी राजनीति है, इसके चक्रव्यूह को, इसके मकर जाल को भेद करके मंदिर के पक्ष में फैसला होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और यही कांग्रेस के लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एफिडेविट फाइल करके कहा गया था राम तो काल्पनिक है, राम और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु बनाया गया था वो तो काल्पनिक है। तो जो लोग कल तक राम सेतु को और भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वो आज ये बता रहे हैं कि साहब इसका न्योता हमें क्यों नहीं भेजा गया। अरे भाई, जब राम है ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम काल्पनिक है, तो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आप क्यों आमंत्रित होना चाहते हैं? आप मत जाइए। और वैसे भी जो पार्टी हमास का समर्थन करती है, जो पार्टी हमास जैसे बर्बर आतंकवादियों का समर्थन करती है, जो एक महिला को जो भोजन देती है और फिर बाद में उसको बताती है कि ये चावल के साथ जो आपने सब्जी खाई है इसमें आपके बच्चे के बदन का मांस भी पड़ा हुआ है, जो इतने बर्बर हो सकते हैं, जो पार्टी हमास का समर्थन कर रही है, जिसके पास हमास का के बर्बरता की निंदा करने का एक शब्द बोलने का साहस नहीं कर पा रही है, वो पार्टी किस मुंह से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आना चाहती है भाई? और ये और हमास के समर्थकों को याद रखना चाहिए, हमास, ISIS और अलकायदा और लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, ये सब एक परिवार है, ये अलग नहीं है। तो ये लोगों को जान लेना चाहिए कि जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं, कल उनको इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। तो कांग्रेस को और जयराम रमेश को राम मंदिर के टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी करने के पहले ये बताना चाहिए कि वो राम के साथ है कि हमास के साथ है, वो किसके साथ है। तीन बयान मेरे सामने हैं संजय राउत का। सबसे पहले, प्रधानमंत्री को न्योता देने की जरूरत नहीं थी, वे खुद जाते, इतने बड़े आयोजन को कोई क्यों छोड़ेगा, राम मंदिर तो बनता ही था, बनना ही था, इसके लिए हजारों कार सेवकों ने अपनी जान दे दी, इसमें तमाम हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वहां थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, इन सब का नतीजा है कि राम मंदिर बन रहा है, इसी वजह से PM मोदी वहां जाकर पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव की तैयारी है। कमलनाथ, वे राम मंदिर के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये भाजपा का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है, क्या ये किसी एक पार्टी का है? एक और बयान मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सलमान खुर्शीद ये लिखते हैं कि क्या निमंत्रण सिर्फ एक पार्टी को दिया जा रहा है, कौन पहुंचेगा और कौन नहीं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन क्या ईश्वर अब एक पार्टी तक सीमित है? ये जो इनके दोहरे मानदंड हैं, ये जो दोगलापन है कांग्रेस का और खास तौर से शिवसेना वाले के बयान को लेकर के, तो मैं आश्चर्यचकित हूँ किस तरीके से कोई पलटी मार सकता है, बहुत आश्चर्य का विषय है। लेकिन कमलनाथ और सलमान खुर्शीद, वो सलमान खुर्शीद जो RSS की तुलना ISIS से कर रहा था, वो अब राम मंदिर की बात करे? ये केवल दोगलापन नहीं है, ये बेशर्मी है, ये निर्लज्जता है।
आप सतपाल मलिक का हाल का बयान देखिए, उनका ये बयान था कि नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय कोई बड़ा आतंकी हमला कराएंगे और 2019 के तरीके से वो पुलवामा की पुनर्रचना करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका लाभ उठाएंगे। इस तरह के बयान सतपाल मलिक के भी आए हैं, इस तरह के बयान संजय राउत के भी आए हैं, इस तरह के बयान बिहार के नेताओं के भी आए हैं और इस तरह के बयान प्रशांत भूषण ने भी दिए हैं। कम से कम 10-11 लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं। तो ये बयान अभी जून जुलाई में दिए गए हैं और संजय राउत ने तो ये बात कई बार कही है। तो पहले वो ये बताएं कि वो अयोध्या को क्या पुलवामा समझते हैं और वो जानबूझ करके ये झूठा आरोप लगाते हैं। आपको याद होगा फरवरी 2019 में बीएसएफ वो सीआरपी के सिपाही जो छुट्टियों से लौटे थे और वो जम्मू के बेस स्टेशन में इकट्ठा हुए थे और वो 40 बसों का एक कॉन्वॉय जम्मू से पुलवामा जा रहा था, उसके ऊपर लश्कर ए तैयबा ने हमला किया था, उसमें करीब 40 जवान मारे गए थे और इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हमला करके जवाबी कार्रवाई की थी और तमाम पाकिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के अड्डों को ध्वस्त कर दिया था और पूरी दुनिया ने इसको तस्दीक किया था कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन यही आज जो लोग मंदिर के उद्घाटन समारोह में निमंत्रण की मांग कर रहे हैं, यही लोग 2019 में पुलवामा की घटना के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई का सबूत मांग रहे थे। भारतीय सेना को खून की दलाली करने वाला बता रहे थे, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने वाले बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान दे रहे थे और यही लोग और 5 साल के बाद भी ये लोग यही काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के समय पुलवामा दोहराया जाएगा, अयोध्या में आतंकी हमला कराया जाएगा ताकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ मिल सके। तो पहले ये अपना स्टैंड तो बताएं, ये चाहते क्या है। सलमान खुर्शीद ने तो बाकायदा किताब लेकर के जो है आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से कर दी थी। अब कहां आईएसआईएस जैसा दुर्दांत बर्बर संगठन जो जिसने इराक की यजीदी गैर मुस्लिम लड़कियों को बाकायदे बाजारों में बेचा, सेक्स स्लेव के रूप में इस्तेमाल किया, कैमरे के सामने सैनिकों अमेरिकी सैनिकों के और तमाम जो उनके दुश्मनों के सर काटे, क्या क्या बर्बर कार्रवाई उन्होंने नहीं की, वही सारा काम आज हमास कर रहा है। तो ये हमास के समर्थक लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इनको बस थोड़ा सा पॉलिटिकल लाभ कहीं मिल जाए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 10 महीने से रामचरित मानस को लेकर के भगवान राम को लेकर के इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार कर रहा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा स्टालिन उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के समूल नाश की बात कर रहा है, जो काम हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ, जो जेनोसाइड किया था वो उसकी बात कर रहा है। सनातन धर्म को वो डेंगू एड्स वायरस कोरोना वायरस क्या मलेरिया जैसी बीमारी बता रहा है, लेकिन नफरत बीजेपी फैला रही है। और ये बात कौन कह रहा है, जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं श्री राहुल गांधी। तो इनका स्टैंड क्या है, क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे थे 2021 में कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अभी जो है विनोद अग्निहोत्री की फिल्म आई है वैक्सीन वॉर, ये सारा का सारा जो वैक्सीन के खिलाफ षड्यंत्र किया गया ये केवल अमेरिका के इशारे पर भारतीय अपोजिशन ने अमेरिकी पैसे के आधार पर भारत की वैक्सीन के प्रोजेक्ट को असफल करने का सबोटेज करने का गंदा प्रयास किया और इंडिया के वैक्सीन डेवलप कर लेने से वैक्सीन लोगों को लगाने से 60 देशों को भारत ने वैक्सीन फ्री भेजी, इसका अमेरिकी कंपनी फाइजर का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और भारत का विपक्ष ने बेशर्मी से जॉर्ज सोरोस के इशारे पर वो भारत के हितों के खिलाफ काम करते रहे। दिल्ली में सितंबर 2022 में होर्डिंग लगी थी कि साहब मोदी जी आपने मेरे हिस्से की वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दी और उसमें 5 साल के बच्चे का फोटो भी लगाया गया था और दुनिया को मालूम है 5 साल या इससे कम के बच्चों के लिए वैक्सीन कभी दुनिया में कहीं डेवलप हुई ही नहीं। पूरे दुनिया में कहीं भी बच्चों को 5 साल या 8 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई ही नहीं गई। तो इतना झूठा प्रचार जिन लोगों ने किया,
तो ये राम मंदिर को लेकर के, बालाकोट को लेकर के, पुलवामा को लेकर के, भारत की अस्मिता, भारत की सुरक्षा, भारत की सभ्यता, ये लोग कुछ भी आपराधिक बयान दे सकते हैं, ये देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा तक करने का बयान कर सकते हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कहा था भारत में जो है पूरा मामला तैयार है, बस केवल केरोसिन छिड़कना है, और उसके बाद जब हिंसा हुई हुई मणिपुर में तो उन्होंने कहा देखो मैंने पहले कहा था। तो ये अभी भी इनको अंतिम जो जो उम्मीद है कि भारत में चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल बने, भारत में भारत सरकार के सामने आंतरिक सुरक्षा को लेकर के एक कोई बड़ी चुनौती खड़ी हो सके, ताकि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम कोई मुद्दा बना सकें। 10 साल हो गए पूरा विपक्ष इतना नकारा है, और मैं विपक्ष को नकारा क्यों कहूं, मैं तो सरकार के पक्ष में बात कहूंगा, सरकार ने ऐसा काम किया है, ये एक मुद्दा नहीं खड़ा कर पाए। 2018 से इन्होंने रफाल रफाल गाना शुरू किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मौकी खाई, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने बाद में राहुल गांधी ने माफी मांगी, और अब ये मामला खड़ा कर रहे हैं अंबानी। तो अंबानी वाले मामले में महुआ मोहित्रा किस तरीके से एक्सपोज हुई है, किस तरीके से वो पैसे के बल पर, और उन्होंने अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ईमेल आईडी का लॉगिन भी उन्होंने दे दिया एक ऐसे व्यापारी को जो कि दुबई में बैठा है, और उससे उन्होंने महंगे गिफ्ट लिए, और उन्होंने दिल्ली में अपने सरकारी आवास की फर्निशिंग कराई। तो 2018 में इनका रफाल डूब गया, अब इनका अडानी डूब गया जो एक मुद्दा बना रहे थे। फरवरी 2023 में हाइडनबर्ग से अडानी के खिलाफ जानबूझ करके एक रिपोर्ट प्रसारित कराई गई, इससे अडानी के शेयर मार्केट में गिरे, लेकिन 3 महीने बाद वो सारे शेयर फिर रिकवर हो गए, और अडानी का कोई लॉस नहीं हुआ। उस समय अडानी की कंपनियों में LIC का इन्वेस्टमेंट करीब था 35,000 करोड़ रुपया, और उसको लोन दे रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ये कह रहे थे अब तक LIC के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जो 35,000 करोड़ रुपया LIC का जो इन्वेस्टमेंट था, आज वो 5 गुना फिर से हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोन था वो कभी बैड लोन हुआ ही नहीं। तो जब बैड लोन हुआ ही नहीं, जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ ही नहीं, तो वो मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास गया ही नहीं। तो जब मामला वो NCLT में नहीं गया, और जब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड में नहीं गया, तो किस बात की कार्रवाई की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के खिलाफ। तो जिस तरीके से विदेशी ताकतों के इशारे पर, और मैं साफ कहता हूं, ये जो अमेरिकन जो ग्लोबल डीप स्टेट है, वो चाहता है कि भारत में कभी मजबूत सरकार ना बने। नरेंद्र मोदी का लगातार इमर्ज करना, दो बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनना, वो चाहते बस सरकार थोड़ी जो है बैसाखी पे चले, 230-235 सीटें ही आए, अगर स्पष्ट बहुमत आएगा तो ये हमारी बात नहीं सुनेगा। जिस तरीके से कनाडा का G20 की बैठक होती है दिल्ली में सितंबर में, और यहाँ से वापस जाने के बाद जो आपका ट्रूडो है, जिसको इंडिया में या पंजाब में कहते हैं जसविंदर ट्रूडो, वैसे उसका नाम कुछ और है, जस्टिन ट्रूडो है, तो उसने जो बयान दिया कनाडा की पार्लियामेंट में कि इंडियन एजेंट्स हैड अ रोल इन द मर्डर ऑफ निज्जर, जो पंजाब का टेररिस्ट था। सबसे बड़ी बात यह है, भारत के किसी विपक्षी दल ने यह सवाल नहीं उठाया, जो निज्जर जो पंजाब का जो आतंकवादी था, जिसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस था, और वो कनाडा की सरकार के संरक्षण में कनाडा में आराम से रह कैसे रहा था। रेड कॉर्नर नोटिस में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ है, और वो अगर उसकी लोकेशन अगर ट्रेस हो जाती है, तो सरकार का ये कानूनी दायित्व तो है कि वो उस अपराधी को उस देश को सौंपे जहां की पुलिस के लिए वो वांटेड है। किसी भी अपोजिशन सरकार ने ये नहीं, अपोजिशन पार्टी ने ये नहीं कहा कि कनाडा की सरकार पंजाब के आतंकवादियों को अपना संरक्षण दे रही है, और जबकि कांग्रेस की सरकार के समय 1985 में एयर इंडिया की कनिष्का फ्लाइट को कनाडा में सिख आतंकवादियों ने उसमें बम विस्फोट किया था, 300 उसमें यात्री मारे गए थे, और उसमें 300 में लगभग 295 हालांकि नागरिक वो कनाडा के थे, लेकिन वो सारे के सारे भारतीय मूल के नागरिक थे। उस समय जो सिख उसमें आतंकवादी कन्विक्ट हुए थे, वो आज भी कनाडा में रह रहे हैं। तो ये सारा जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है,
सबसे अफसोस की बात यह है कि जो विपक्ष है वो इसमें बराबर का साझेदार बना हुआ है। जब भी राहुल गांधी अमेरिका यूरोप की यात्रा पे जाते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे षड्यंत्र यूपी में होता है, वो भारत में होता है। और इसका सबसे बड़ा मसीहा तो आप जानते हैं जॉर्ज सरोस है, जिसका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का जो इंडिया ब्रांच है उसको हर्ष मंडेर चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर, जो कि सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, और मोहब्बत की दुकान के आइडिया के जनक वही हैं, और राजीव गांधी और राहुल गांधी के करीबी सलाहकारों में है। तो ये सब जो षड्यंत्र हो रहे हैं ये सब लोगों को समझना चाहिए। और ये लोग उसमें अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन समारोह में ये कुछ भी खुराफात कर सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं, कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ये निमंत्रण पत्र सौंपा गया है, इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो सचिव हैं चंपत राय, निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उडुपी के जो पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु माधवाचार्य, और स्वामी गोविंद देव गिरी। और इसके बाद प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया, एक बयान आया, और उन्होंने कहा कि जय सियाराम, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे, उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है, मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। ये तो प्रधानमंत्री के विचार उस निमंत्रण पत्र पाने के बाद। अब आप ये बताइए, ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि क्या एक पार्टी को ही निमंत्रण दिया जाएगा, प्रधानमंत्री किसी भी देश का क्या वो एक पार्टी होता है या देश का प्रधानमंत्री होता है? और देश का प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करेंगे, शिलान्यास नहीं करेंगे, इस तरह के जो गौरवशाली हमारे आस्था के केंद्र हैं उनका भूमि पूजन नहीं करेंगे, उनका उद्घाटन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, कौन करेगा, विपक्ष के नेता करेंगे? कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए कि क्या क्या यदि कांग्रेस की सरकार होती तो क्या मंदिर बनता, और यदि यदि कांग्रेस की सरकार होती और मान ले मंदिर बन जाता तो क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस मंदिर का उद्घाटन करने जाते? जो आपका इतिहास है, 1920 में भारत में जो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था महात्मा गांधी की सरपरस्ती में आशीर्वाद से तुर्की के खलीफा को बहाल करने के लिए, तब से आज तक का जो कांग्रेस का पिछले 103 सालों का जो मुस्लिम परस्ती का जो उनका चरित्र है, जिस तरीके से नेहरू ने केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का बंटवारा करा दिया, जो महात्मा गांधी कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, लेकिन पाकिस्तान बन गया, 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू और सिख उजाड़ दिए गए पश्चिम पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, और फ्रंटियर प्रोविंस यानी पेशावर से, और ईस्ट बंगाल से, तो जिस कांग्रेस का ये इतिहास है, क्या क्या उसके राज में ये मंदिर बनना संभव था? मैं उनके प्रश्न के और डॉक्टर राजेंद्र बाबू को रोकने की हर संभव कोशिश की थी नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिस तरीके से नेहरू ने जलील किया कि आप सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में ना जाएं, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जिन्होंने महाराष्ट्र में बंबई में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी, वो इस अभियान के सर्वे सर्वा थे, के एम मुंशी उत्तर प्रदेश गवर्नर भी रहे हैं, और जिस तरीके से नेहरू ने कितने पत्र लिखे थे 1949 में गोविंद बल्लभ पंत को कि आप अयोध्या में जो 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 मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई इनको तुरंत बाहर निकलवाइए, और उनको सबको ये हिंदू जो उग्रवादी है इनको दूर रखिए। तो कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, क्या कांग्रेस का वास्तव में कांग्रेस का मंदिर से कांटेक्ट तो है, कनेक्ट नहीं है? तो जिसका कोई कनेक्ट ही नहीं है मंदिर से, वो राम जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन समारोह में आने के लिए इतनी व्याकुल क्यों है?
क्या उसको अब ये लग रहा है कि उसको अगले चुनाव में अगर कुछ अपनी एक आध सीटें अगर जीतनी है तो उसको हिंदुओं का वोट भी चाहिए। तो अगर कांग्रेस को हिंदुओं के वोट को खोने का डर लग रहा है तो अच्छा लग रहा है आपको, ये अच्छी बात है कि उसको डर लग रहा है। अगर कांग्रेस ऐसी पार्टी को हिंदुओं के वोट का डर सता रहा है, तो खोने का डर सता रहा है, तो ये अच्छी बात है। कांग्रेस को ये मानना चाहिए कि भारत में खाली माइनॉरिटी वोट नहीं है, हिंदू वोट भी है, लेकिन उनको हिंदू वोट नहीं चाहिए, उनको दलित वोट चाहिए, उनको पिछड़ा वोट चाहिए, उनको अति पिछड़ा वोट चाहिए, उनको सिख वोट चाहिए, उनको ब्राह्मण वोट चाहिए। हिंदू खंड 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 में बटा हो वो उनको चाहिए। और अब तो राहुल गांधी इतने क्रांतिकारी हो गए हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम की भाषा बोल रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे राहुल गांधी को मालूम ना कि कांशीराम कौन थे, उन्होंने क्या संघर्ष किया था और कितने संघर्ष करके कितने पापड़ बेल के उन्होंने ये पार्टी खड़ी की और जो पार्टी अपने बल पर सत्ता में आई। तो राहुल गांधी राहुल गांधी भूल जाते हैं सितंबर 1990 में राजीव गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। राजीव गांधी ने सितंबर 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा के खिलाफ लोकसभा में 2.5 घंटे का भाषण दिया था और ये कहा था कि वीपी और उस समय प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, कहा था राजा साहब आप देश में आग लगा रहे हैं, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये और आज राहुल गांधी और राहुल गांधी को ये भी याद रहना चाहिए कि 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने मंडल आयोग की स्थापना की थी। 1981 में रिपोर्ट आ गई थी मंडल आयोग की। 1980 में इंदिरा गांधी इस मंडल आयोग को खत्म करना चाहती थी। उस समय हरियाणा के बड़े नेता राव वीरेंद्र सिंह, जिनके पुत्र इंजी गुड़गांव से एमपी हैं इस समय, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि मैडम जब ये आयोग बन गया है, इसका दो तिहाई काम हो गया है, तो रिपोर्ट को आ जाए देते हैं। और उस समय उन्होंने ये रिपोर्ट बीपी मंडल ने 1981 में उस समय के होम मिनिस्टर ज्ञानी जय सिंह को सौंपी थी और 10 साल वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। कभी इंदिरा गांधी राजीव गांधी को मंडल आयोग को कभी देखने की भी उनको याद नहीं आई। और आज राहुल गांधी जो है कांशीराम जी की भाषा बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी, इन्हें कुछ पता है? तो कांग्रेस का तो कोई नैतिक, कोई मॉरल, कोई पॉलिटिकल जस्ट आधार बनता ही नहीं है कि उसको अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया जाए। कांग्रेस को पहले अपने पिछले 50 साल के पापों की सार्वजनिक क्षमा याचना की जानी चाहिए कि उसने नेहरू के समय से लेकर के और मनमोहन सिंह के समय तक भारत के मंदिरों के पुनरुत्थान और विशेष करके सोमनाथ और अयोध्या के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र किए, पहले उसके लिए उनको पब्लिक अपॉलजी टेंडर करनी चाहिए, सार्वजनिक क्षमा याचना करनी चाहिए। उसके बाद उनका कोई नैतिक अधिकार बनता है कि वो 22 जनवरी 2024 में होने वाले समारोह के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्रनाथ भट्ट जी, आपने ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।